नमस्कार, मैं हूं आकाश कुमार। आप देख रहे समाचार 24 लाइव। खबरें वही जो से आप देख रहे। जनपद श्रावस्ती से एक बड़ी खबर। लखनऊ से आए हुए कलाकारों द्वारा अष्टमी के दिन किया गया भव्य रात्रि जागरण का आयोजन। आपको बता दें, श्रावस्ती जनपद के सिरसिया में चल रहे दुर्गा पूजा महोत्सव में अष्टमी के दिन किया गया रात्रि जागरण का भव्य आयोजन, जिसमें लखनऊ से आए हुए वैष्णवी म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा अनेक प्रकार की झांकियां प्रस्तुत की गई, जिसमें सर्वप्रथम माँ दुर्गा की झांकी दिखाई गई, जिसमें काफी संख्या में महिला पुरुष तथा बच्चे रात्रि जागरण कार्यक्रम देखने के लिए पहुंचे और कलाकारों द्वारा मनमोहक झांकियां दिखाई गई। जैसे कि हनुमान जी के द्वारा सभी दर्शकों के बीच जा करके दर्शकों को प्रसाद खिलाया गया और वहीं भगवान श्री कृष्ण की रासलीला भी रचाई गई। ऐसे कई मनमोहक झांकियां लखनऊ से आए हुए कलाकारों द्वारा ऐसे कई झांकियां दिखाई गई। वहीं श्रावस्ती जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा द्वारा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मां दुर्गा को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया और मंच पर जा करके लोगों को मां दुर्गा के बारे में बताया गया और लोगों को संबोधित करते हुए कोविड-19 से बचाव के लिए कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए सभी दर्शकों को प्रेरित किया गया। आइए आपको सुनवाते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा द्वारा उपस्थित श्रद्धालुओं को किया गया संबोधित। श्रावस्ती से रमेश गुप्ता की खास रिपोर्ट। के पावन अवसर पर अपने शिव मंदिर सिरसिया के पावन इस आयोजन में के पावन में आयोजित माता जी के जागरण के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं पधारे हुए वैष्णवी म्यूजिकल ग्रुप के रागिनी जी सहित सभी कलाकार बंधुओं का अपनी ओर से, आप सब लोगों की ओर से, समस्त ग्रामवासियों की ओर से, समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित आप के बीच के दीपा छोटे भाइयों में शुक्रिया जी। इस आयोजन समिति के सम्मानित अध्यक्ष भाई तरुण शुक्ला जी, उनकी टीम के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी, संदीप प्रशोधन जी, हमारे भाई गिरधारी गुप्ता जी, रमेश गुप्ता जी, ब्रजेश गुप्ता जी, कुन्नू सोने जी, आयोजन समिति के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित, समस्त सभी पिता के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, भारी संख्या में उपस्थित है आप सब लोगों का इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए माँ दुर्गा से आप सब लोगों के आशीर्वाद की कामना करता हूँ। माँ दुर्गा आप सब लोगों की मनोकामना को पूर्ण करे, आप सब लोगों की झूठी खुशियों से भर दे। साथियों, इस हर्षोल्लास माहौल में एक विशेष निवेदन आग्रह और अपील भी करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब लोग अवगत हैं कि इस समय हमारे देश सहित पूरा विश्व, पूरी दुनिया कोविड महामारी के दौर से गुजर रही है, तो इस